देखिए भाई पहना चल कोई दिक्कत ना, कोई दिक्कत ना। श्रेया कुमारी मर्डर और सुसाइड मिस्ट्री को लेकर जैसा कि हमने बताया था कि पवन सिंह जाएंगे मिलने उनके परिवार वालों से, और ऐसे में बता दे दोस्तों पवन सिंह नवीन नगर पहुंच चुके हैं और साथ ही साथ वो फ्रेंड्स फैमिली से मिल रहे हैं और अच्छी तरह से पुलिस और प्रशासन से इस पूरे के पूरे मामले का जायजा ले रहे हैं और आखिरकार पवन सिंह पहुँच कर वहाँ क्या क्या किए हैं और क्या क्या करने वाले हैं और साथ ही साथ क्या परिवार वालों को कुछ रुपए भी देंगे। चलिए यही बात आज के खास रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं दोस्तों पूरे विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल नी एंटरटेनमेंट को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले आपको बता दे दोस्तों पवन सिंह के आज सुबह ही निकलने का समय था और ऐसे में जो है दोस्तों पवन सिंह नवीन नगर पहुंच भी चुके हैं और ऐसे में मीडिया जो है पूरी तरह से उन्हें घेरे हुई है और बताया जा रहा है कि पवन सिंह जो है श्रेया कुमारी के पूरे के पूरे परिवार वालों से मिल चुके हैं और वो अब पुलिस प्रशासन की गई कार्रवाई के बारे में जायजा ले रहे हैं, समझ रहे हैं कि आखिर उन्होंने अब तक ऐसा क्या क्या किया है। और दूसरी ओर बात करें कि सहायता राशि को लेकर क्या पवन सिंह ने कहा है तो दोस्तों यहां पर पूरी तरह से सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं पवन सिंह। और रही बात सहायता राशि की तो यहां पर जो है दोस्तों घर वालों ने लेने से ही इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि अगर जस्टिस मेरी बेटी को मिल जाएगा उतना ही मुझे काफी है, मैं उन पैसों का क्या करूंगी। ये बात जो है दोस्तों घर वालों ने कहा है और खासकर श्रेया की ने कहा है। और ऐसे में जो है दोस्तों पवन सिंह भी उन सभी की फीलिंग्स को समझ रहे हैं और फीलिंग्स को हर्ट न करते हुए यहां पर जो है दोस्तों पूरी तरह से कार्रवाई की बात कही है और कहा है कि इंसाफ आपको बहुत ही जल्द मिलेगा। आपका क्या कहना है इन सभी चीजों पर प्लीज हमें अपनी राय कमेंट्स के थ्रू जरूर बताएं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।